समर्थन में जनवादी महिला मोर्चा, अन्य सामाजिक संगठन भी धरने में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहीदी दिवस के अवसर पर किसान व सामाजिक संगठनों ने 2 मिनट का मौन व 1 दिवसीय उपवास भी रखा है। जनवादी महिला मोर्चा की अध्यक्षा ने कहा कि महात्मा गांधी का अहिंसा का हथियार किसान आंदोलन को जीतने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती, धरना व प्रदर्शन जारी रहेगा। बता दें कि पानीपत में किसान आंदोलन का आगाज लगातार तेज होता जा रहा है। जहां किसान लगातार धरना व प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं उनके समर्थन में अन्य सामाजिक संगठन भी 3 कृषि कानूनों के विरोध में पानीपत टोल प्लाजा पर चल रहे धरने में पहुंच रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती, वह किसानों के साथ धरना व प्रदर्शन जारी रखेंगे। वहीं सभी सामाजिक संगठनों व किसानों ने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया। पानीपत से संवाददाता प्रवीण भारद्वाज की रिपोर्ट। ये अनशन आज जो संयुक्त मोर्चा, किसान मोर्चा, उनके आह्वान पे जो उन्होंने आज वो भी कर रहे हैं, उसके समर्थन में हम भी बैठे हैं। ये 5 बजे तक बैठेंगे। 11 साथी हैं हमारे पानीपत की तरफ से, ये बैठे हैं। इस तरह से किसान आंदोलन चला हुआ है, हाँ जी, इसको किस तरह से देखते हो? कि सरकार ने तो इस आंदोलन को फेल करने की बहुत कोशिश की, बहुत कोई कभी इनको आतंकवादी कहना, कभी कुछ किए, अपने पूरे प्रयास कर रही है इसको बदनाम करने की। पर ये आंदोलन अब पहले से भी बढ़ के चलेगा, बहुत जोर शोर से चलेगा। और अब ये जब तक 3 कृषि कानून काले कानून वापस नहीं हो जाते, तब तक चलता रहेगा। जोगिंदर चीमा। आज 30 जनवरी को सांप्रदायिक विचारधारा के जो नेता थे, नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी का कत्ल किया था, उसी के विरोध में हम साथी जो हैं उपवास पर बैठे हैं। क्योंकि एक विचारधारा जो है आज भी सक्रिय है, वो संघ की विचारधारा है जो नफरत को फैलाने का काम कर रही है। पहले तो ये मुसलमानों के नाम पर लड़ाते रहे, अब ये सिखों के नाम पर अलगाव की बात करते हैं। इनका काम एक ही है, तोड़ने का, और कोई काम नहीं है। जब तक ऐसी ताकतों का विरोध नहीं होगा, नहीं तो ये ताकतें हमेशा हावी रहेंगी। इसलिए हम उनका विरोध करते हुए आज उपवास पर बैठे हैं। आज हम लोगों का किसान का आह्वान, किसान आंदोलन के आह्वान पर जो है, आज गांधी जी का शहीदी दिवस भी है, जिस तरह से आप देखते हैं, उसको लेकर के हम लोग आज अनशन पे बैठे हैं। हमारे 11 साथी जो हैं सुबह 10 बजे आ गए थे और वो शाम 5 बजे तक अनशन पे रहेंगे। और इसी के साथ साथ जिस तरह से हम देखते हैं कि पिछले दिनों जो ये हिंसा हुई है लाल किले पे, वो चाहे झंडे को लगाने की हो, ये कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का जो जहर फैलाने वाली ताकतें हैं उनका ही काम था। वो इस तरह से जो इसको रंग रूप रेखा दी है, तो उनके खिलाफ अगर आज के समय में कोई हथियार काम करेगा तो वो गांधी जी का ही हथियार काम कर सकता है, जिसमें हम कहते हैं अहिंसा की बात करते हैं कि बिना किसी अहिंसा के, बिना किसी विरोध के भी हम ऐसे आंदोलनों को, ऐसी मांगों को जाहिर कर सकते हैं जो हम अहिंसा एक इतना बड़ा हथियार मान सकते हैं, जिसके दम पे आप विश्व और दुनिया को जीत सकते हो। तो ये 3 काले कृषि कानून तो क्या ही, और गांधी जी के उस संदेश को लेकर के आज हम बैठे हैं। यही संदेश है कि अहिंसात्मक रहेगा आगे भी, जितने दिन तक ये धरना चलेगा, और इस धरने पे हम लगातार बैठे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.